नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग से मैं आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक उन भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचारों पर आधारित है जिन्होंने अपनी तत्कालीन परिस्थितियों में शासन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए थे। इसी कड़ी में आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों की बात करेंगे। स्वामी दयानंद ने एक राजनीतिक चिंतक के रूप में अपनी भूमिका कहीं कहीं प्रतिपादित की है, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीति में भी उनका अहम योगदान रहा है। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्णतः जागरूक थे, अतः उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए और अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो कुछ लिखा, उसी को इस सामूहिक रूप से उनके राजनीतिक विचार कह सकते। उन्होंने मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था मर्यादित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ना तो निरंकुश हो और ना ही लोकतंत्र के विकट रूप वाली हो। उन्होंने राजतंत्र के और कहीं लोकतंत्र जैसे सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का कार्य किया। दयानंद ने वंशानुगत राजतंत्र का विरोध किया है और दयानंद ने शासन की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध किया है। उन्होंने जो वर्तमान में प्रचलित है, विधानसभा, राज्यसभा तथा धर्मसभा से संबंधित अपने विचार रखे। वर्तमान में धर्मसभा जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ऐसी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, व्यवस्था पिका है वो है। उन्होंने अपने विचारों में विधानसभा, राज्यसभा और तथा धर्मसभा, इन तीनों सभाओं की कल्पना अपने शासन के तीनों निकाय, व्यवस्था पिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की थी और इन तीनों सभाओं का गठन चुनाव के आधार पर होना चाहिए। दयानंद ने शासक के लिए एक राजा शब्द के स्थान पर सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया और उपेक्षा किया कि सभाध्यक्ष के रूप में शासन विधायी, कार्यपालिका संबंधी तथा न्यायिक कार्यों में समन्वय में स्थापित करे। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में दयानंद लिखते हैं कि सभा अध्यक्ष या राजा को सभाओं के अधीन तीनों सभाओं को अपने कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु सभापति के रूप में राजाओं के अधीन तथा सभाध्यक्ष और सभाओं को प्रजा के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार दयानंद का लक्ष्य प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति मर्यादित होने चाहिए। अगला है
स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। स्वामी दयानंद ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया है, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य ही किया है। दयानंद का विचार है कि व्यक्ति आत्मोन्नति के प्रयत्न कर सके इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद स्वच्छता के समर्थक नहीं थे। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते थे। उन्होंने उपेक्षा की कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगला, राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद ने राज्य के अस्तित्ववादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और इस प्रकार का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में दयानंद ने मनु, कौटिल्य आदि के इन विचारों को स्वीकार किया कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त के संरक्षण और संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत उत्तरण करना राज्य का मूल प्रयोजन होगा। दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया है कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। दयानंद के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्यों में सम्मिलित आंतरिक और बाह्य संकटों से प्रजा की रक्षा, पिता के सदस्य प्रजा का पालन, शिक्षा के समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रजा से की आर्थिक समृद्धि और प्रजा के आचरण में धर्म को समाहित करना रहा है। सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। दयानंद का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम है। सुखद आश्चर्य की बात है कि गांधी जी से भी पहले दयानंद ने गांव की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सब कार्यों को पूर्ण करें। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष रखें, उन्हें 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हें 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हें 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हें 1000 ग्रामों के ऊपर पाँचवा पुरुष रखें। इसके साथ ही प्रशासन की इन सभी इकाइयों को एक दूसरे से के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है तथा ये कार्य उचित रूप से तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। दयानंद ने इस बात पर बल दिया कि राज्य की तीनों सभाओं महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो, जो अकुशल हो या भ्रष्ट हो। उन्होंने स्पष्टता प्रतिबद्ध किया है कि अज्ञानी लोगों से धर्म का नाश होता है, इसलिए श्रेष्ठ लोगों को राजकार्य में लिया जाना चाहिए। दंड और न्याय और दंड व्यवस्था और कर व्यवस्था, टैक्सेस सिस्टम। दयानंद के अनुसार
न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। दैन ने न्याय की शक्ति अकेले शासक में नित नहीं किया। न्याय की शक्ति का प्रयोग शुरू के विद्वानों द्वारा गठित धर्मसभा द्वारा किया जाना चाहिए। दयानंद के अनुसार धर्मसभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा उन्होंने उपेक्षा की है कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम एवं उसका विरोध नहीं किया जा सकता। दयानंद ने विचार व्यक्त किया है कि न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही आधारित होने चाहिए। दयानंद ने कर व्यवस्था के संबंध में भी बताया है कि कर लगाने के प्रसंग में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए तथा प्रजा पर अधिक मात्रा में या अनावश्यक कर नहीं लगाने चाहिए। अगला, अंतर राज्य संबंध या सैन्य व्यवस्था या युद्ध की स्थिति। दयानंद ने राज्य की सुदृढ़ता पर विशेष बल देते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की है। उन्होंने शासक को परामर्श दिया है कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावपूर्ण संबंध स्थापित किए जाए, जिससे अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य की सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित हो सकता है, अतः राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने षड्गुण नीति, जो हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में पढ़ी, संधि विग्रह यान आसन संश्रय द्विधिभाव और साम दाम दंड भेद का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। राज्य की सैन्य शक्ति ऐसे संगठित हो और समर्थ होनी चाहिए कि किसी भी भारी आक्रमण का प्रतिकार कर सके। लेकिन दयानंद का स्पष्ट विचार है कि आक्रमण युद्ध का मार्ग नहीं अपनाया जाना चाहिए। दयानंद ने युद्ध के दौरान भी युद्ध के नियमों के प्रति निष्ठा तथा नैतिक मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सार्वभौम मानवतावाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक दयानंद स्वामी दयानंद हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के प्रति सद्भाव था और इस दृष्टि से वे सार्वभौम मानवतावाद के पुजारी थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मतों का खंडन किया था, लेकिन इस कार्य में न तो किसी प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण तथा था और न ही कोई द्वेष भाव। इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण तत्कालीन परिस्थितियों के कारण किया गया था। इतिहासकार ताराचंद के शब्दों में डॉक्टर ताराचंद के शब्दों में दयानंद को आपत्ति तो इस बात पर थी कि इस्लामी और ईसाई तत्व हिंदू धर्म पर आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे थे और इसलिए अपने धर्म के बचाव में उन्होंने प्रत्याक्रमण के शस्त्र का सहारा लिया ताकि हिंदू धर्म पर हमले की बजाय उन्हें अपनी स्थिति बचाने की फिक्र हो। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद तो धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे। उन्होंने अध्ययन तथा चिंतन के क्रम में वैदिक धर्म को ही प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक हितकारी पाया था, अतः उन्होंने प्राणी मात्र को वैदिक धर्म की ओर अनुप्रेरित किया। स्वामी दयानंद का मूल विश्वास ये था कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव है। 1883 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में सभी धर्मों की सभा का आयोजन किया था।
इस सभा में उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल दिया और उपदेश दिया था कि सभी धर्म अपनी विविधता मान्यताओं के साथ जीवित रह सकते हैं। उनका उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति था। दयानंद ने मानवता और विश्व बंधुत्व के प्रति अद्भुत लगन थी। उनकी पूर्ति की दिशा में कार्य करने में उन्हें सदैव प्रसन्नता होती थी। इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आज हमने दयानंद सरस्वती की राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम इनके बारे में और बात करें। धन्यवाद। थैंक्स।